वक्त मेरे साथ रूबिका है, मेरी सहयोगी, और जो उन खुशकिस्मतों में से हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है आज रामलला के दर्शन वो करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कैसी अनुभूति, कैसी फीलिंग? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं बार बार अपने आप से पूछ रही हूँ कि प्रभु राम ने मुझे चुना है, और आप देखिए आज माँ को भी साथ लेकर जा रही हूँ ताकि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं 2011 से यहाँ पर अयोध्या में आ रही हूँ और होटल से यहाँ तक का जो सफ़र मैंने किया है पंकज, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सच में मैं उस त्रेता युग में पहुँच गई हूँ जब प्रभु राम लौट कर आ रहे वनवास से, सीता मैया साथ में हैं, लक्ष्मण साथ में हैं, और इसी तरीका शायद माहौल रहा होगा। और आज तो चलिए गाड़ी घोड़ा हमें दिख रहा है, लेकिन आप सोचिए वही एहसास वही भाव पंकज मुझे हर एक आंख में नज़र आ रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि मुझे इस दिन का साक्षी बनाया। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी राम लला की उस मूर्त में, तब मैं वहाँ शुभ मुहूर्त में मौजूद रहूँगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा है, कि यहाँ जितने VIPs आ रहे हैं वो खुद अपने मोबाइल से तस्वीरें निकाल रहे हैं, यानी वो कितनी उत्सुकता उनके मन में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, यहाँ सिर्फ राम भक्त है पंकज। यहाँ पर आप ना संत, ना महात्मा, ना आम आदमी, ना सेलिब्रिटी, ना मर्द, ना औरत, ना बुजुर्ग, ना बच्चा, आप किसी तरह की कोई कैटेगरी यहाँ रख ही नहीं सकते हैं। यहाँ सिर्फ वो हैं जिन्हें राम ने बुलाया है, वो हैं जो राम भक्त हैं, और जो नहीं आए हैं मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आपने आँखों में राम को बसाया है, आप लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की कवरेज देख ही रहे हैं, हम भी पूरे भाव के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं पंकज, लेकिन मैं जैसा कह रही हूँ ना, कोई बाउंड्री नहीं है, सब परे हैं उसके। बिल्कुल, मैं जरा आपके हाथ में माइक देना चाहूंगा और आप जरा ये जो दृश्य आपको नजर आ रहा है वो अगर आप पहले तो ये वो कार्ड दिखा दीजिए। ये वो कार्ड है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली ये कार्ड हमें लेकर जाना है अंदर, क्योंकि हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूछा जाए, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत है, मर्यादा पूरी अयोध्या पंकज, एंड देन आप इसे खोलिए तो सबसे पहली जो तस्वीर आती है वो प्रभु राम की आती है। ये ऐसे शुरू होगा, अपूर्व अनाद का निमंत्रण श्री रामधाम अयोध्या, और ये रामलला की मूर्त आपको नजर आ रही है, बाल रूप में प्रभु राम इसमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो कार्यक्रम रहेगा, तो मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में जो प्राण प्रतिष्ठा में जो खास मेहमान रहने वाले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, और मोहन भागवत जी हैं, ये वो सारे नाम हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं जो कि अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के, और योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार, क्योंकि भाई उनका सूबा है तो हर चीज़ को वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है राम उत्सव। देश के लोगों को एकत्रित, पूरे आयोजन ने, इस पूरे महासमारोह ने देश को एकत्रित किया, देश के लोगों ने लोगों को एकत्रित किया। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्यौहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं त्याग की, एकत्रित होने की, और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सब हमारी सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम।